हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अविराज का प्ले टाइम। आफ्टरनून में अविराज के लिए हम उसको अपने बेडरूम्स में ना रख के हमने उसके लिए ड्राइंग रूम में ही पूरा एक एरिया बना दिया है। हमने जो हमारी सेंट्रल टेबल थी, डाइनिंग टेबल थी, सबको हटा के गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया ताकि अविराज बहुत अच्छे से ही अपने जो ड्राइंग रूम में प्ले कर सके, क्योंकि बेबी फटाफट क्रॉलिंग करते हैं, तुरंत गिर जाते हैं। तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने उसका पूरा प्ले एरिया बनाया है, तो जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, ये मेरा ड्राइंग रूम था। यहाँ मैंने पूरा सोफा और सेंट्रल टेबल के साथ था, जो कि मैंने अविराज के लिए भी हटा दिया। कोरोना चल रहा था तो कोई खाता भी नहीं है घर पे, तो अविराज हमें बहुत अच्छे से खेल पाता है, उसके गिरने का डर नहीं होता है हमें। आप देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में अविराज क्रॉलिंग कर रहा है, तो इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। मैं भी घर में अकेली रहती हूँ दिन में, तो ये मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, मैं इजीली उसके साथ यहाँ पर मैनेज कर पाती हूँ। इसी तरह से जो डाइनिंग टेबल थी हमारी, हमने वो भी जगह हटा के वहाँ पर भी, मतलब डाइनिंग टेबल हटा के भी हमने गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिए। वहाँ भी अविराज अच्छे से खेल लेता है, वॉकर चला लेता है, जो अपनी ये उसी वाली कार है वो भी चला लेता है, इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर चला लेता है, तो गिरने का डर नहीं रहता है। मेरे किचन में जब मैं जाती हूँ तो हम वहाँ भी मैं उसको लेके चली जाती हूँ। तो पापी जैसे जैसे मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ क्रॉलिंग कर रहा है बेबी, अभी बैठ गए। हेलो हेलो, आ जाओ, होल्ड माय फिंगर, होल्ड होल्ड अभी, होल्ड इट, चलो चलो होल्ड इट, कम 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 कम, चलो चलो चलो, अब हल्का हल्का सा चलने का मन करता है इसको, तो हम इस तरह से वॉक करा देते हैं अपने हैंड पकड़ा के इसको। चलो चलो फास्ट फास्ट फास्ट, हेलो टू, हेलो टू, हेलो 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 बगू बाबा, हेलो राजपुल, बोलो जय श्री कृष्णा, श्री जय श्री कृष्णा, ऐसे बैठोगे अपनी गाड़ी पे, गाड़ी पे बैठोगे, चलो कम सीट, कम कम हॉर्न प्लीज, हॉर्न प्लीज बेबी, हॉर्न प्लीज। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन का जो रूटीन है वो विराज के साथ जाता है, विराज भी खेल रहा है यहाँ पर, इसको बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं रहता है। बाकी मैं इसके साथ पूरे टाइम में अकेली हूँ, तो पूरे टाइम ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। प्रेम है, जब मुझे कुछ काम करना होता है किचन में तो मैं किचन प्रेम को किचन में ले जाती हूँ, वहां मैं विराज को अपने साथ रखती हूँ और हम खेलेंगे, विराज के साथ हम कुछ मस्ती करेंगे। हमारा प्लेन बोर्ड करेगा, ये लो ये लो लो, तो सारा से सारे उसके जो भी सॉफ्ट टॉयज है उसको मैं रख के वो उसके साथ अपना एंगेज रहता है, खेलता रहता है। छोटी मोटी एक्टिविटीज भी मैं उसको इसी के साथ, जो उसका बुक टाइम होता है सब चीजें इसी टाइम में मैं मैनेज करती हूँ। शेक हैंड प्लीज बेटी, शेक हैंड, शेक हैंड प्लीज, अभी अभी शेक हैंड, अभी बिल्कुल भी उसका मूड नहीं है, वो अपने टॉयज के साथ बिजी है। आप देख सकते वो अच्छे से एंजॉय कर रहा है अपना प्ले टाइम।
हेलमेट रखा हुआ है, जैसे अभी बेल्ट से नीचे जाएगा तो मैं इसको ये हेलमेट पहना दूंगी, जिससे क्या होगा इसका हेड वगैरह सब कुछ सेफ रहता है और क्रॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। बेबी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कि उसको कहीं चोट लगेगी। तो आप ये हेड पहन मतलब ये जो हेलमेट है बेबी को पहना सकते हैं। मैं आपको विराज को पहना भी, विराज को पसंद नहीं है अपना हेलमेट, पहनना पड़ेगा जो नीचे क्रॉलिंग करने जाना है। तो विराज मतलब पूरा दिन में ये प्ले करता है, यही इसका रूटीन होता है। हम इसको बेडरूम में नहीं लेके जाते तो यहाँ पर इसको काफी स्पेस मिल पाता है, काफी मतलब स्पेस मिल पाता है, इसकी गिरने का डर नहीं रहता है। ये जो हेलमेट मैंने आपको दिखाया ये मैं इसको ऑलमोस्ट ज्यादातर टाइम पहना के रखती हूँ, क्योंकि ये अगर यहाँ भी अपना सिर ले जाएगा तो इसकी सेफ्टी की पर्पज से बहुत अच्छा रहता है। और अभी ये 9 मंथ 10 मंथ कम्प्लीटेड है तो ये काफी मतलब क्रॉलिंग करता है, खड़ा हो जाता है, तो इसकी सेफ्टी की मतलब ये अच्छे से अपना खेल पाता है, प्ले टाइम बहुत अच्छे से ये बेडरूम ड्राइंग एरिया में एंजॉय कर पाता है। इसीलिए हमने इस तरह का इसका ड्राइंग एरिया में इसके लिए सेटअप किया है ताकि बेबी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको विराज की एक्टिविटीज कैसी लगी। बाय बाय मम्मी।